जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महीने की कथा। एक इल्ली और एक गुण था। इल्ली बोली कि गुण, हम कार्तिक स्नान करते हैं। जब गुण ने कहा कि मैं तो मोट बाजरी में पड़ा हूँ, सात धान का स्वाद चख रहा हूँ, मुझे तो गर्मी चाहिए, तुम कार्तिक स्नान करो, मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूँगा। वह तो रानी के चूड़ा के पल्ले चिपक कर इल्ली रोज़ाना कार्तिक स्नान करती थी। गुण स्नान नहीं करता था। कार्तिक महीना पूरा हुआ, इल्ली और गुण दोनों मर गए। इल्ली का राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म हुआ और गुण का राजा के घर में मेंढक के रूप में जन्म हुआ। राजा की बेटी के अगले जन्म की याद थी। यहाँ भी राजा की बेटी और मेंढक साथ में रहते थे। एक दिन राजा की बेटी का विवाह हुआ। राजा की बेटी का विवाह दूसरे राजा के बेटे के साथ हो गया। बारात रवाना हुई। राजा की बेटी बोली कि मुझे यह मेंढक साथ में चाहिए। जब राजा ने बोला कि इस मेंढक का तुम क्या करोगी, कहा कि तुझे हाथी घोड़ा धन दौलत दे रहा हूँ, लेकिन बेटी ने जिद करके मेंढक को साथ लिया। राजा ने मेंढक को सोने का साकल से बांधकर साथ में भेज दिया। उसके ससुराल में वह दिन भर फुदक फुदक कर घूमता रहता। वह महल में जाती तब मेंढक को सोने की साकल से सीढ़ी के नीचे बांध देती। रानी नीचे उतरती तब मेंढक बोलता कि रिमक झिमक श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला, पानी तो पिलाओ गुण, लेकिन मोट बाजरी में जा, एक दिन कार्तिक स्नान करेगा तो यह जन्म छूट जाएगा। मैंने तो कार्तिक स्नान किया जो राजा के घर राजकुमारी का जन्म पाया। एक दिन देवरानी, जेठानी, रानी और मेंढक की बातें सुन लेती है। वह राजा को जाकर चुगली करती है कि आप रानी लेकर आए हो या जादूगरनी, सभी तो इंसान से बातें करते हैं लेकिन यह रोज़ रोज़ मेंढक से बातें करती है। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। रानी महल से उतरी तो रोज़ की तरह मेंढक से बातें करती हुई राजा सुन लेता है। तब राजा ने रानी को बोला, तुम सच बताओ कि रोज़ मेंढक से क्या बातें करती हो। तब रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इली थी और यह गुण था। मैं रोज़ रानी के चूड़ा के चिपक कर कार्तिक स्नान करती थी और इस गुण ने कार्तिक स्नान करने से मना कर दिया। मैं मरकर राजा के घर बेटी के रूप में जन्म लिया और गुण मरकर मेंढक हुआ। मुझे पिछले जन्म की याद है और मैं इसको पिछले जन्म की याद दिला रही हूँ। जब राजा जी ने बोला कि कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। फिर राजा रानी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। राजा के घर सुख शांति और धन हुआ। रानी मेंढक को भी साथ लेकर कार्तिक स्नान किया, जिससे मेंढक को इंसान का जन्म मिला। हे कार्तिक माता, जैसे इन पर प्रसन्न हुए वैसे ही हम सभी पर प्रसन्न होना।